के बारे में क्या सोच रहे हैं ये लोग। सुशांत ने काफी स्ट्रेस दिया है, अभी भी उसी के फोकस हैं एंड दे आर टोटली फीलिंग ट्रैप्ड। ऐसा है ना कि बस सुशांत का केस करके फंस गए हैं हम लोग, बुरी तरह से फंस गए हैं। ये लड़की खुद में ही फंसी नहीं है, इसके बाहर भी लोगों ने गार्ड्स लगा दिए हैं, तो ये लोग खुद तो फंसी गए हैं और फंसा बाकी भी बाहर में भी है कि लोग कहीं निकल के जा नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली द होल आइडिया इज कि सुशांत के केस ने इनको बुरी तरह से नंगा तो किया, बट ये बुरी तरह से फंस गए हैं, जकड़ गए हैं खुद ही के खेल में। आप ऐसा कह सकते हो कि अपने गेम में ही ये फंस गए, इन्होंने जो गड्ढा खोदा था ये लोग खुद उसमें ही शायद चले गए। टोटली ट्रैप्ड। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस रीडिंग इज दैट सुशांत के कारण काफी डिप्रेशन हुआ, ये सारी चीजें हुआ, अभी भी वो लोग उसी को फोकस है, उबर नहीं पाए हैं। एंड जो सुशांत के मैटर ने इनको पूरी तरह से घेर लिया है, लाइक दे आर कॉट रेड हैंडेड, या फिर पुश्ड टू द कॉर्नर बोलते हैं ना, वो चीज हो गई है। तो सुशांत ने इनको पुश्ड द कॉर्नर कर दिया। ऑल राइट गाइस, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कुछ मूवीज जो आई हैं अभी रिसेंटली। लेट्स चेक आउट हाउ पीपल हैव लाइक्ड, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स दैट मूवी। क्या लोगों ने पसंद किया है इनकी मूवी को, नहीं किया है, क्या हुआ है इनका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, हम चलिए देख लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मूवी 83। दैट वॉज अ वेरी हाइप्ड अप मूवी, काफ़ी विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू आर हीरो कपिल देव सर, जिन्होंने ट्रॉफी को घर में लाया था। चलिए देखते हैं कि मूवी को क्या लोगों ने पसंद किया है या नहीं पसंद किया है। ओके ऑलराइट, ओके, तो लोगों ने पसंद किया है मूवी को। देखो, उन्होंने सोचा था कि ये मूवी काफी अच्छी होगी, एक पर्सनालिटी पे इन्होंने मूवी बनाई थी और उनको लगा था कि डेफिनेटली दिस मूवी इज गोइंग टू बी ग्रेट, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो जा रही है ये शायद मे बी इट डिड अ गुड स्टार्ट ऐसा करके, लेकिन नाउ इट इज हेडेड डाउन हिल ऐसा लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो वाइल इट स्टार्टेड ऑफ एज अ एक बहुत ही दे वर वेरी पॉजिटिव की मूवी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इट स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन इट स्टार्टेड ऑफ ओनली टू एंड विद अ नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना 360 डिग्री चेंज हो गया है। जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी तो इट वॉज एट नाइन ऑफ पेंटिकल्स, काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ रिलीज हुआ था कि इट विल डू गुड, एंड जैसे ही मूवी चलने लगी ये बिल्कुल नोज डाइव करके नाइन ऑफ सोर्ड पे आ गई, यानी कि 180 डिग्री शिफ्ट हो गया है इसके रिजल्ट में, राइट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड टू वेयर इट एंडेड। सो एंड यहाँ पे भी हर्मिट मोड है, इट्स नॉट लाइक इट्स डूइंग गुड, पीपल आर रियली थिंकिंग कि क्या गलत हो गई इस मूवी में। ओके, तो गलत मूवी में नहीं है, गलत तो आप लोगों में ही है। एनी वेज, सो दैट वॉज अबाउट 83। ओके, नाउ लेट्स सी वॉट अबाउट दिस मूवी, एक अंतिम भी मूवी है ना, तो लेट्स चेक आउट ऑन दैट। So, Angel, please tell us what is that about the movie Antim? How have people reacted to that? Have people loved it? What is the box office collection? Anything you want to know, want us to tell us? Oh my goodness. All right. So, this is expectations. तो ये था कि हाँ ये मूवी काफी एक वाव, एक्सपेक्टेशंस तो काफी था। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा दो लोग इसमें आए थे इस मूवी को बनाने के लिए, और उन्होंने सोचा था कि हमारी जो जोड़ी है, हमारा जो पार्टनरशिप है, इट इज़ वेरी ऑसम। अब मुझे उस मूवी का डिटेल्स नहीं पता है अदर देन दैट सलमान भाई साहब हैं उसमें, बट मे बी यू नो दैट टू पीपल केम टुगेदर टू मेक दिस मूवी, टू मेक इट कि हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। आई डोंट नो क्या वो मूवी कबीर खान की है, आई डोंट नो। तो मे बी इनकी जो पार्टनरशिप होती है काफ़ी अच्छी रहती है पास्ट में, तो मुझे पता है कि इनकी मूवीज़ है, बट ये मूवी किसकी है आई हैव नो आइडिया। बट एनी वेज, इट्स ऑल अबाउट द पार्टनरशिप। दे थॉट कि दिस पार्टनरशिप विल रियली ब्रिंग द सन शाइनिंग बैक ऑन देयर लाइफ एंड दे विल गो टू बैंक ऑल स्माइल्स। ओके, काफी इस विक्ट्री मिलेगा, सक्सेस मिलेगा इसको। हाउएवर, यहाँ पे हम देख नहीं रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा सक्सेस वाला कोई बात नहीं है यहाँ पे, काफी स्ट्रेस भी है यहाँ पे। और उसके बाद ये इमोशनल लॉस, मैंने कि यू नो इमोशंस में ही है अपने, लाइक एंड देन यहाँ पे काफी डिफीटेड भी फील कर रहे हैं, तो काफी स्ट्रेस
इवन एट इनिशियल स्टेज से स्ट्रेस है, तो आप समझ सकते हैं कि जो 82 का यहाँ पे हमने नाइन ऑफ पेंटिकल्स देखा था, वो इट वॉज ऑल द करिश्मा ऑफ आवर कपिल देव, नॉट द मूवी एज पर से और द बॉलीवुड. और तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है. मूवी काफी एक मूवी ने काफी एक डिप्रेसिव स्टार्ट ली है, डिप्रेशन वाला स्टार्ट लिया है, विच हैज कॉज्ड यू टू रियली यू नो गेट इन्वॉल्व इन योर ओन इमोशंस, फील वेरी क्लोज्ड एट योर इमोशंस, एंड देन ऑफ कोर्स फीलिंग ट्रैप्ड एंड फीलिंग कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ भी चीज टेक ऑफ नहीं कर रहा है. एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्योंकि होप्स बहुत हाई थे, होप्स था कि हम विक्ट्री वापस लाएंगे, वी विल चेंज द स्टार्स एंड सन विल बैक शाइन बैक, काफी पैसे कमाएंगे, काफी मेहनत की गई थी इस मूवी पे. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो. तो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन था इस मूवी से कि हम एक 360 डिग्री टर्न लाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया है. एंड ये सारी जो इच्छाएं थी आपके पीछे बैक ऑफ द डेक में, वो सब बिल्कुल उसका उल्टा हो गया है. तो बेसिकली जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके वाइब्रेशंस हाई नहीं थे. ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट मैनिफेस्ट इल फॉर समबडी एल्स एंड यू कैन मैनिफेस्ट हाई फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इट्स ऑल बैलेंस, यूनिवर्स इज बैलेंस, है ना. तो ये सारी चीजें हुई हैं अंतिम के साथ. तो लोगों ने शायद क्वाइट पॉसिबली कास्ट तो हमें यही बता रहे हैं कि लोगों ने इस मूवी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है. ऑल राइट, लेट्स चेक दैट अनदर वन. व्हाट वाज द मूवी नेम? दैट्स अतरंगी रे. तो लेट्स सी हाउ इज दिस अतरंगी रे डूइंग, हाउ इज इट बीइंग रिसीव्ड बाय द पीपल, आर दे लाइकिंग इट, हाउ इज दिस मूवी अतरंगी रे डूइंग. Let's check it out. Okay. तो काफी डरते डरते ये मूवी रिलीज हुई है. कोशिश मानी कि ऐसा कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस आप कह सकते हो कि मानी कि काफी एक चाहते तो थे कि कुछ एक स्ट्रांग चाहत थी कि मूवी हिट हो, और इस सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है कि एक अच्छे से ये मूवी रिलीज करते हैं. बट यू नो लाइक लेट्स कीप इट वेरी बैलेंस्ड, लोगों का मूड देखते हुए कुछ ऐसा ना करें कि लोगों को फिर से गुस्सा आ जाए. तो कहीं ना कहीं इमोशनल डर था कि कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, कि कुछ ऐसा स्कैंडल अचानक से नहीं आ जाए कि लोग फिर से गुस्सा हो जाए एंड देन मूवी पे पूरा गुस्सा निकाल दें. ओके, सो यहाँ पे अगर देखो आप, तो यहाँ पे वही चीज आ रहा है कि मूवी को रिलीज करते समय एक जो बोलते हैं ना कि पब्लिक से थोड़ा सा डर था, पब्लिक के कारण इमोशनल लॉस था. इमोशनल लॉस का मतलब यहाँ पे ये है कि पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं. सो दिस इज द पीपल हु आर रिलीज द मूवी, एंड हाउ विल द पीपल रिएक्ट टू द मूवी, विल दे एक्सेप्ट इट, नॉट एक्सेप्ट दिस. तो एक काफी एक तरह का आगे पीछे ऐसा है. तो कहीं एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी बोल सकते हैं, नॉट लाइक डिमोटिवेशन, पर एक होता है ना कि हाँ ना क्या होने वाला है, बिकॉज मे बी दे वुड हैव सीन द रिजल्ट ऑफ अदर मूवीज. दे आर वेरी होपफुल कि मूवी अच्छा कर जाए. टू है फुल ऑफ लाइक यू नो दे आर रियली एक्सपेक्टिंग द मूवी टू डू वेल, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये मूवी अच्छा करे. आई थिंक अभी रिसेंटली शायद रिलीज हुई है, तो स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू प्रूव वेदर इट इज डूइंग गुड और नॉट. एंड इट्स रियली लुकिंग फॉरवर्ड, समझ में आ रहा है हमें. और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो क्या इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये मूवी बदलेगी? तो लुक्स लाइक कि दिस मूवी विल डू गुड. ओके, तो ये लगता है ऐसा. तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसिडर कि इस मूवी में हमारे साउथ के एक्टर धनुष भी हैं, जो कि काफी अच्छे एक्टर है ना. तो ही कैन डेफिनेटली रन द मूवी इन हिज शोल्डर, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो आई थिंक दैट इज ऑल आई रिमेंबर ऑल द मूवीज, और मुझे कुछ मूवी याद नहीं है. डू लेट मी नो गाइज वॉट यू फील अबाउट द गाइडेंस, एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर, बाय फॉर नाउ.